आपका चार्ट मैंने देखा तो सबसे जो प्रोमिनेंट चीज आपके चार्ट में वो है फायर. इतनी फायर है आपके चार्ट में. कौन सी वाली फायर? मतलब हर तरह की फायर. हर तरह की फायर. अच्छा, फायर के जिनके चार्ट में फायर ज्यादा होती है तो उनको दे वांट टू परफॉर्म एंड दे वांट टू बी अप्रिशिएटेड. तो ये अगर इनके पास ऑडियंस होगी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ये. एंड ही लव्स टू बी अप्रिशिएटेड, जो कि इनके चार्ट के अंदर मैंने देखा. और इनकी बड़ी कोई ग्रैंड किस्म की एनर्जी है. बहुत अच्छे लग रहे हो. मोहित से किसी को काम कराना है तो बोले ओहो बस बस आपसे अच्छा. ये तो आप काटे मेरे ख्याल से. क्या लग रहे हैं आप? क्या लग रहे हैं आप यार? बस फिर मोहित डाउन गेट फुल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मोहित यार प्लीज भाई यार. मोहित लाइक्स अप्रिसिएशन. मोहित लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर हिज वर्क आल्सो. मतलब इनको अपने काम को अप्रिशिएट करना अच्छा. ये तो वो कॉमन बातें हैं बाजी. नहीं, लेकिन इनकी जो बात करने का अंदाज है वो भी बड़ा कोई ग्रैंड किस्म का. ये छोटी चीज नहीं सोचते. इनकी थॉट प्रोसेस भी बहुत ही बड़ा होता है, हमेशा ग्रैंड लेवल पे होता है. बिल्कुल. फिल्म बनाई मोहित ने, बहुत बड़ी फिल्म बनाई. वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म यार. मोहित, अगर मोहित के एब्स देखना चाहते हैं आप लोग तो इशरत मेड इन चाइना देखिए. हां, ये बात तो है. है ना? ओ, मैं यही तो कहना चाह रही थी. अच्छा, उसके तो आप पता नहीं क्या बोल रहे थे. हाँ, प्रोमो कटवाने होते हैं ना अपने. बस आगे बढ़िए. सॉरी. सो वाइसेस, मोहित की वाइसेस. मोहित थोड़े से इंपल्सिव इंसान. रंगीन मिजाज है आप कहना चाह रहे हैं. यस. ओके, ही कैन नॉट डाइवर्ट. मोहित लाइक्स टू हैव फन. थोड़ा चाइल्ड लाइक फन भी है इनके अंदर. और ये इंपल्सिव बहुत है. मतलब डिसीजन लेने के बाद और एक्शन लेने के बाद सोचते हैं मैंने क्या किया है. Sometimes, not always. Yes. अच्छा, किस टाइप के एक्शंस की बात हो रही है? अच्छे एक्शंस की भी हो रही है और बुरे एक्शंस की भी हो रही है. जिस पे रिग्रेट भी होगा आपको किसी टाइम लाइफ में कि आपने जल्दी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया या जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लिया, तो दैट इज देयर. आप बड़े लकी हैं कि आप सही टाइम पे सही जगह पे मौजूद होते हैं. शुक्र अल्लाह तेरा. तो जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं आप बिल्कुल वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो अलाइन हो जाती है और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं. एक चीज़ है कि आपको कोई किसी तरीके पे चलने पे मजबूर नहीं कर सकता. इनको अपने तरीके से क्या किसी का बाप भी नहीं कर सकता. बिल्कुल. है ना? इतना तो मैं मोहित को जानता हूँ. Yes. ये जिद मेरा थोड़ा एक्सप्लेन करने का वैसा कुछ है नहीं, लेकिन वैसे जिद वाला नहीं है. No, लेकिन no, वो यूनिकनेस जो है वो आपकी हर चीज में आपकी बड़ा सिंपल है. अगर एक चार बच्चे को बिठाएंगे आप उनसे एक सेम उनको डिस्क्रिप्शन देंगे तो सबकी पिक्चर अलग होगी. बट मेरी पिक्चर के लिए उसकी जो मोहब्बत है वो बहुत ज्यादा होगी. तो वो जो इमेजिनेशन है वो उसको इस तरह से ही एग्जीक्यूट करना वो. बट आई होप मैं लोगों को तकलीफ ना देता हूँ. yes, तकलीफ नहीं देते. बट आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप ब्रेव भी बहुत हैं. आप अपने दोस्तों के साथ, मतलब फिर ओपोनेंट कितना भी मजबूत हो, आप उनके साथ खड़े होंगे. आप ब्रेवरी आपकी जो है वो कभी कभी आपको गलत रास्ते पर भी ले जाती है. मतलब रहती ब्रेवरी. ये रास्ते कौन से गलत है मुझे ये कोई मुझे समझ नहीं. ब्रेवरी भाई मतलब कभी बहादुरी. कभी दोस्तों को बचाना होता है. हाँ, तो अब ये हमारे डिस्कशन में हो गया गलत. हमारे लिए है सही क्योंकि वो हमारा दोस्त पहले. बिल्कुल. अच्छा, भाई जो भी है भाई. और ब्रेवरी या पीटेंगे या पीटेंगे लेकिन दोस्त को बचाएंगे. दोस्त तो बस इधर हो जाओ ना, पीछे हो जाओ. और इनिशिएटिव बहुत अच्छा लेते हैं आप. मतलब कोई काम करना है तो आप सबसे पहले खड़े होंगे. लेट्स जस्ट डू इट. तो शायद बहुत सारे लोग आप पे इस बात पे डिपेंड भी करते हैं. और आप यूज भी बहुत हुए हैं इस चीज में. ये पिकनिक का प्लान बनाना है तो मोहित बना रहे हैं. सारे फ्रूट मैं ही काट रहा हूँ. अच्छा, मोहित और मोमल के चार्ट में क्रिएटिविटी कितनी है मैं जानना चाहता हूँ. आपके सितारे क्या क्यों आप फिल्म बना रहे हैं, हमें कास्ट करते जा रहे हैं? I can't afford you. All right. Yes, you truly cannot. आपके लिए स्पॉन्सर लाना पड़ेगा तगड़ा सा. I would say कि इनकी क्रिएटिविटी ज्यादा है और एक्शन पार्ट इनका बहुत ज्यादा है. लाइक एक्शन जिस जो करने एग्जीक्यूट करना वो मोहित का फोर्टे है. मोहित से कुछ भी काम करा. फिर स्क्रिप्ट दे दो. है ना? मैं कहती हूँ कि ये टीम बन सकती है. हम हाँ शूट करेंगे. कभी-कभी जोड़ेंगे टॉक शोज में भी बन जाती है. पार्टनरशिप बन गई. बिल्कुल. मोहित वैसे बड़े पावरफुल इंसान है. इनके पास पावर्स भी हैं. ही इज गॉट राइट कनेक्शन. और इनके जो दोस्त हैं वो इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड से कि वो जो तो हो गया ना, उन्होंने कहा मैं गोली भी खा लूं. नहीं तो ये उन वो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी उनके लिए बहुत. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट. लाइक इट्स द बोथ वेज. इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके लिए रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉन्ट्स टू स्टे इन अ रिलेशनशिप. और ये रिलेशनशिप के बगैर नहीं रह सकते. इनको कोई रिलेशन चाहिए अपनी लाइफ में. कोई ना कोई चाहिए. बिल्कुल कोई ना कोई चाहिए. अच्छा, एक चीज़ है कि
मोहिब को गुस्सा आता है लेकिन मोहिब उसका इजहार बहुत गुस्से में नहीं करते, उसको भी शैतानी बना देते हैं ये, मतलब ऐसे ही है मतलब बाकी रियली नहीं यार, जहाँ शो करना होगा कि ये गुस्सा शो करने से ये चेंजेस आ जाएंगे, जहाँ कुछ चेंजेस नहीं आएगा वहाँ सिर्फ ह्यूमर होना चाहिए। यस यस, तो ये इज वेरी वाइज इन टेकिंग के भाई ये मेरा फेवरेट इंसान है या इससे रिलेशन रखना है, उसको वो कभी गुस्सा नहीं दिखाएंगे। मोहिब का चार्ट मोहिब के ह्यूमर के बारे में क्या कहता है, बिकॉज मोहिब का सेंस ऑफ ह्यूमर आई थिंक शायद वो यूनिवर्सल ना हो, लेकिन जो जो मोहिब के सेंस ऑफ ह्यूमर को समझता वो उसको बहुत एंजॉय करता है, जैसे कि मैं। तो क्या ह्यूमर के बारे में क्या है मोहिब के जो जोक्स होते हैं या मोहिब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बड़ा, कोई उसके अंदर कोई फिल्टर्स नहीं है। आई विल से वुड यू से इट्स नीश, इट इज अ नीश क्योंकि वो थोड़ा चाइल्ड लाइक भी है, मतलब इट्स नॉट के वो बहुत कोई चाइल्ड लाइक ही है, इट्स 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 लाइक प्लेफुल चाइल्ड लाइक, ही वांट्स टू प्ले विद हिज जोक्स एंड ह्यूमर, और ये उसमें परफॉर्मेंस भी देते हैं, ये सिर्फ आपको बात नहीं करेंगे, ये उसमें एक्शन भी देके आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। सो यस, सो यस, दैट्स प्रीटी मच अबाउट। अरे वाह वाह वाह, क्या बाजी ने सही आप लोगों को एनालाइज किया 100% है, 100% कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? नहीं, मैं कुछ नहीं पूछना मैंने कुछ भी नहीं पूछना मोमल, आप कुछ नहीं पूछना, डर गई आप? नहीं, डरने की बात नहीं है, बट पूछना नहीं है। ठीक है, पूछना नहीं, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका, थैंक यू, हमेशा आप इतनी जबरदस्त इनसाइट देती हैं, थैंक यू। गो के मुझे कहा नहीं गया लेकिन मैं चाहूंगा यहाँ पे कि एक ब्रेक ले लूँ, अब वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम एक और मजे का सेगमेंट खेलेंगे मोहिब और मोमल के साथ, आपने कहीं नहीं जाना, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। Welcome back, ladies and gentlemen. This is the 50th episode of the Talk Talk Show. एक साल हमारा पूरा हुआ, आज हमारी first anniversary है. Momal and Mohib, thank you so much. आप लोग हमारे show पे. बहुत मुबारक. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. Thank you for making us part of your big day. उठाएं. Season 2 के लिए ready हो जाएं. All right. Okay, that's all. मोहित तुम क्या कहाँ से लाते हो ये यार, इतना बड़ा फोन रखा है बजा ही नहीं, कहाँ से लाते हो ये? Actually, I am like यार मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ मोहित के सेंस ऑफ ह्यूमर का, आई लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर।